वगैरह ये हिलने लगा। चैनल ट्रिपल कैरी एंड दिस इज हाउ आवर मॉर्निंग लुक्स लाइक। एकदम डाल लेक के सामने मस्त व्यू है। वेदर थोड़ा क्लाउडी हो रहा है, सनी नहीं है पर मस्त लग रहा है। एंड हियर बोथ द फादर एंड सन आर प्लेइंग। मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब बस तुवान को रेडी करना है। उसकी खिचड़ी बन चुकी है, पैक भी हो चुकी है। एंड देन सप्तशी विल गेट रेडी और फिर हम निकल जाएंगे ट्यूलिप गार्डन के लिए। और एक स्पॉट जाना है एंड देन विल लीव फॉर पहलगाम। हेलो 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 के आयु कथा बोल छो, तुम्हें कोथा है छो ताई, तुम्हें ऑटो दूर चले गए छो, तुम्हें हमें बोलो। 10:30 एंड वी आर लीविंग। तो गुड मॉर्निंग फिर से, और अभी जा रहे शंकराचार्य मंदिर जो कि बहुत दिन से देख रहे पर जा नहीं पा रहे। तो आज एकदम मन बना लिया है कि आज जाएंगी कुछ भी हो जाए। तो कुछ 400 मीटर के बाद वी हैव टू टेक अ राइट एंड देन देयर आर हिली रोड्स एंड बाय द वे दिस इज नॉट द लास्ट टाइम यू आर सीइंग डाल, क्योंकि ऊपर से भी डाल का अच्छा व्यू होता है। सेकेंड ऑफ ऑल हम लोग ट्यूलिप गार्डन भी जा रहे हैं आज। दिस इज ओपन डाल। रिस्ट्रिक्टेड एरिया ये भी है, करना होगा शायद। तो इधर एंट्री करना होता है सप्तर्षि घोष। सो वी आर हेडिंग टू शंकराचार्य मंदिर थ्रू शंकराचार्य फॉरेस्ट। माउंटेन के ऊपर जो फॉरेस्ट है ये शंकराचार्य फॉरेस्ट है एंड देयर इज अ ट्रेल सो यू कैन हाइक योर वे अप टू द मंदिर। एंड पार्किंग दिख रहा है, तो यहाँ हमने पार्क की हुई है अपनी गाड़ी और साइड में मस्त व्यू और हम चले टेंपल तक। थोड़ा वॉक है, ज़्यादा नहीं है अगर आपको अच्छी पार्किंग मिलती है तो। तक लाइन है, दिस इज द फ्रिस्किंग रूम। तो वहाँ पे चेकिंग हुई एंड आफ्टर दैट हम लोग को ये स्टेयर्स लेना है। आप जेंट्स लोगों की चेकिंग हो गई? हाँ, इसको बहुत फ्रिस्क किया। ओके, सो ऑलमोस्ट 250 स्टेप्स है और ये टेम्पल हमको दिख रहा है। सो यहाँ टॉप में ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं और यहाँ से व्यू देखिए और डाल लेक देखिए। यार ये हिल स्टेशन पे सीढ़ी चढ़ना है। घुस चुके हैं टेम्पल बाउंड्रीज में। और ये दूसरे साइड से व्यू। एक
काफी ऊंचे ऊंचे स्टेप्स हैं। दर्शन अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड है तो वहाँ कुछ नहीं शूट हुआ, तो अभी नीचे जा रहे हैं। सो वी आर हेयर एट दी ट्यूलिप गार्डन पार्किंग। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना रश होगा, पार्किंग नहीं मिल रहा है, पूरा मेन रोड डाल लेक के पास वो ट्रैफिक जैम हो गया। एंड बाय द लुक ऑफ इट मुझे लग रहा है कि वी आर गोइंग टू समवेयर स्पेशल, तो देखते हैं ट्यूलिप गार्डन। ये रहा डाल और इधर हम लोग जा रहे हैं ट्यूलिप फेस्टिवल पे। ये अंदर भी काफी पार्किंग है पर हमको घुसने नहीं दिया मिलिट्री वालों ने, तो हमें थोड़ा दूर पार्किंग करना पड़ा एंड देन वी आर वॉकिंग। दो टिकट भैया, ये कल ही ओपन हुआ है ट्यूलिप गार्डन। ये देखिए ट्यूलिप्स डिफरेंट कलर्स की। येलो फ्लावर्स से फिर ट्यूलिप बन रहा है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये पर्पल फ्लावर्स पता नहीं क्या है, और ये शिकारा के बीच में सारे फ्लावर्स बहुत सुंदर सजाया है। ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, अब पीछे का ब्लॉसम्स देखो पेड़ का। गार्डन, आप लोग यहाँ पे आके पिकनिक भी कर सकते हो। हमारे पास तो टाइम नहीं है तो हम बस थोड़ा देख के चले जाएंगे। कंसिडरिंग द लैक ऑफ टाइम हम लोग उतना दूर जा नहीं पा रहे, कार पार्क काफ़ी लंबी है एंड डिस्प्रेड अक्रॉस अ ह्यूज एरिया। वी विल हैव टू गो टू पहलगाम, इसीलिए शायद 5-10 मिनट में निकल जाएंगे। ट्यूलिप गार्डन के साइड में एक और पार्क है जिसमें ये सुंदर सा झील है। अभी हम लोग निकलने वाले हैं। लीविंग द पार्क। टाइम टू गो। अभी मैडम को फुचका खिलाना है। फुचका गोलगप्पे। गोलगप्पे मुझे ट्राई करना है क्योंकि हमने हमेशा वेस्ट बंगाल में ही खाया, तो मुझे ट्राई करना कि बाहर का कैसा होता है। चलो बढ़िया लग रहा है पूरा कलरफुल। इधर गोलगप्पे खाए हमने, कैसा लगा? अच्छा लगा, सेम ही था टेस्ट बंगाल के जैसे ही था, बस फुचका जो बना था वो थोड़ा अलग किसी चीज़ का बना था। ये वेज है कि नॉन वेज? कितना करके? 20 मसाला रोटी, चना और आलू का है। अच्छा है, नाइस।
हमने ये शिकारा लिया एज अ मेमेंटो. थैंक्स टू ट्यूलिप गार्डन, और ट्यूलिप गार्डन की ट्रैफिक पूरा डाल ले घूम लिया हम लोग. इन 600 मीटर्स मेक ए यू टर्न. और गूगल पागल हो गया, ऑफ रूट आ गया और फिर भी बोल रहा है मेक ए यू टर्न, वही रूट पे वापस जाओ. दिस डाल ले पूरा सर्कमफेरेंस घूम लिया हम लोग. स्तवान का लंच हो गया, डायपर चेंज हो गया और हम घूमे जा रहे हैं. कुछ एक फोर्ट के गेट के सामने है, पता नहीं कब से फंसे हुए. स्टिल अ वेरी लॉन्ग वे टू गो. टाइम हो रहा है अभी 2:50, ऑलमोस्ट एक घंटा डाल लेक का चक्कर काटने के बाद अभी फाइनली हाईवे पे है. पहलगाम इधर से 1 hour 40 minutes 75 kilometers. जिस दिन आए थे श्रीनगर उस दिन शाम हो गया था, तो ये हाईवे का सीनिक ब्यूटी मिस कर गया था. सो वी हैव बीन स्टॉप्ड अगेन. अपेरेंटली अ कॉन्वॉय इज गोइंग टू पास फ्रॉम द ऑपोजिट एंड. आई डोंट नो व्हाई इस साइड को रोका गया है, बट दैट्स व्हाट इट इज. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे और अनन्या को मन है कि सरसों की खेत में जाके उछल कूद करें. अभी तो फिलहाल हाईवे से काफ़ी नीचे है तो वो मौका अभी है नहीं, पर मिलते ही कूद पड़ेंगे फॉर श्योर. लुक्स लवली बाय द वे. दोनों एंड पे ही है हाईवे के, दोनों एंड पे. कश्मीर के पकवान. सो हेलो गाइस, स्नो कैप्स अपने लाइफ में वापस आ गए. तो अभी टाइम हो रहा है 4:25. वी आर 10 मिनट्स अवे फ्रॉम पहलगाम. मैं और अनिंदिता अभी रास्ते में रुक के कुछ होटल्स देख रहे थे. इधर पावर सप्लाई का कुछ इश्यूज है तो JKTTC का होटल अल्पाइन शॉर्टलिस्ट किया है, उधर जाके देखते हैं फैसिलिटीज़ वगैरह क्या है एंड देन वी विल कंफर्म. कितना भैया? अच्छा. और मेरा और अनिता का प्लान भी है कि कैंप चेयर्स का उपयोग जो कि इस सफ़र पे हुआ नहीं उसको भी करें. तो जहाँ पे स्ट्रीम्स करंट थोड़ा हल्का हो वहाँ बैठ जाएंगे. देखो ये बीच में आ गया एकदम पूरा. व्हाइल आई वाज एडमायरिंग लिटर. सो वी आर ऑल डेक्ड अप टू फाइट द चिली विंड. आवर कैंप चेयर्स आर आउट और अभी हम लोग जाके बैठेंगे वहाँ पे. आई थिंक स्नैक्स वुड बी आइडियल. ओके चलो. विंड काफी चिलिंग है, इतना आगे नहीं बैठने वाले, थोड़ा अंदर चलो. और इधर एक सेल्फी पॉइंट है जहाँ पे आई लव पहलगाम लिखा हुआ है. आई नहीं लिखा हुआ है, लव नहीं, लव पहलगाम. सो हम लोग इधर बैठ गए एंड द बैकड्रॉप इज ब्यूटीफुल. ठंडा, काफी ठंड होगा. होटल का था पता कुछ भी नहीं, रिवर दिख गया, स्ट्रीम करंट थोड़ा कम है इधर तो बैठ गए. लाइफ का मजा तो इसी में है. होटल का देख लेंगे बाद में, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा इतना होटल से. और वो बाबू मेरा चेयर लेके बैठा हुआ है, वो हड़प लिया है मेरा चेयर, मेरे को बैठने देगा नहीं, तो मैं इधर ही कहीं पर बैठ जाता हूँ. देखो रोड ट्रिप का अपना कॉन्स तो है, पर सबसे बड़ा प्रो है जहाँ अच्छा लगा रुक गए, कितनी भी देर
अच्छा लगा, बैठ गए, कोई बोलने वाला नहीं, कोई जल्दबाजी भी नहीं, आराम से आप चेयर लगाओ, बैठ जाओ और स्नैक करते रहो। इसको बहुत मज़ा आ रहा है एंड ही वांट्स टू गेट डाउन। अरिंदिता उधर नेचर की मजे ले रही है। सो इट्स 5:25, स्तुवान को थोड़ा भूख लगा था, वो रोने लगा, सब अंदर पैक कर दिए एंड हैविंग हिज फूड। सो द सन हैज कम आउट सडनली, इट इज 6 PM एंड इट इज लुकिंग ग्लोरियस, द पीक्स आर लुकिंग ग्लोरियस। इधर भी एक है, गाड़ी इधर पार्क्ड है। ये वाला कॉटेज देखे थे बट थोड़ा ओल्ड स्कूल और डिलापिलेटेड है, तो हम लोग जा रहे हैं उस साइड, होटल अल्पाइन, व्यू वही वाला पीक का मिल रहा है। सो इधर ही रह जाएंगे दो रात के लिए। और ये हम लोग पहुंच गए आश्च, तो ये रहा अपना रूम। इट्स अ नाइस कोजी रूम, इट्स अ वेरी कोजी रूम एंड विद अ ग्रेट व्यू एंड दोस पीक्स आर विजिबल। बिकॉज वी डिड नॉट बुक आवर रूम्स, अभी थोड़ा ऑनलाइन पे कर देते हैं फॉर कपल ऑफ नाइट्स एंड देन फॉर्म फिल अप भी करना। सी यू इन सम टाइम। हां गाइस, सो अभी हम लोग सो ही रहे थे, अचानक पूरा ये हार्ट वगैरह ये हिलने लगा, तब तो व्लॉग कर नहीं पाए। मुझे लगता है अर्थक्वेक आया, ऑल द गेस्ट आउट, काफी हिला सब। पहले कुछ देर तो लगा कि नहीं, हम लोग को कुछ अलग समझ में नहीं आ रहा है, सारे दरवाजे खुल गए हैं और फिर अचानक ऊपर का लाइट हिलने लगा काफी। होपफुली ज्यादा स्केल नहीं है, आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, क्योंकि लड़का भी था तो आई जस्ट पिक्ड हिम अप एंड आई वाज लीविंग द रूम एंड देन आई सॉ ऑल द अदर गेस्ट्स हैड एक्युमुलेटेड नियर द रिसेप्शन। तो इधर लकड़ी का है तो द गाइस हैड एट द रिसेप्शन, दे टोल्ड अस कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लकड़ी का है तो कुछ होगा नहीं। बट मुझे एक्चुअली बिकॉज दिस इज़ अ वैली एंड इट इज़ सराउंडेड बाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स, तो मुझे लगा कि कोई एवलॉन्च या कुछ तो हो रहा है बिकॉज काफ़ी फ्रिवलसली हिल रहा था। इवन ही गॉट अ लिटिल डिस्टर्ब्ड क्योंकि हम लोग आई जस्ट पिक्ड हिम अप एंड आई जस्ट लेफ्ट। तो एनी वे होपफुली थिंग्स आर ओके। हम लोग अभी एक बार न्यूज़ चेक कर लेते हैं। Strong earthquake tremors were felt in New Delhi, Punjab and other parts of North India on Tuesday night. The estimated magnitude was 7.7. गुलमार्ग वाले ब्लॉग में हम लोग का मैसेज था कि डर के आगे जीत है, पर इस ब्लॉग में हम लोग इतना डर गए थे कि ब्लॉग एंड करना ही भूल गए। एनीवे, जब तक अनिंदिता स्तुवान का खाना बना लेती है तब तक आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।